कला संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार खेल विकास प्राधिकरण की ओर से पटना में आयोजित दो दिवसीय बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आज से शुरू हो गया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नव निर्वाचित अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद डॉ अच्युता सामंता ने कल पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केआईआईटी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर की ओर से बिहार के 100 से अधिक वॉलीबॉल क्लबों को वॉलीबॉल खेल से जुड़े सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको प्रोत्साहन करने के लिए मैं मेरा संस्था कीट के तरफ से कीट विश्वविद्यालय 100 वॉलीबॉल क्लब को हम लोग स्पोर्ट्स मेटेरियल देंगे। जो वॉलीबॉल क्लब 200 से ज्यादा है होगा 100 वॉलीबॉल क्लब को मेरा तरफ से मेरा संस्था के तरफ से मैं कल दूंगा। आज भी कुछ है, कल मीटिंग में मैं डीजी साहब के सामने बोलूंगा कुछ कहने के लिए, इसलिए बोलूंगा। कार्यक्रम के दौरान बिहार खेल विकास प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र शंकरन, भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षक जीए श्रीधरन, बिहार पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव संतोष कुमार मल्ल, फिल्म अभिनेता राहुल बोस सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्त का खाना नहीं मिलता गांव में। ऐसे शख्स को जब कामयाबी हासिल होती है तो हम सोचते हैं कि वो बहुत जल्दी से धन इकट्ठा करेगा अपने आप के लिए, क्योंकि काश को वो दिन ना आए जो आए थे। लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है डॉक्टर सामंता के साथ। जैसे ही उनके हाथ में धन आता है वो फौरन दे देता है। तो ये स्वाभाविक तौर से इट्स अननेचुरल। जिसने इतनी तकलीफें झेली वो एक पैसा अपने आप के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है। तो यू आर इंस्पिरेशन।